दोस्तों भाई सुबह का समय हो रहा है और हमारी गाय को कल रात में बांध दिया था। इसको भाई पकड़ के लाना पड़ा क्योंकि ये खुद आई नहीं थी। अभी देखिए हमें किस तरीके से मारने के लिए कर रही है, मतलब इसको अभी बाहर जाना है। भाई इसने किसको मारा? किसने मारा इसको? हाँ भाई, या तो दोस्तों इसको किसी ने मारा है या फिर शायद वो जो गिच्चुड़ी आती है वो फूट भी जाती है तो भी ऐसा खून निकलता है, या कहीं कांटे वाटे में बैठ गए तो भी। देखिए देखिए दोस्तों इसके जो अडर है, मतलब भाई जो थन है, देखिए थोड़े थोड़े थन इसके बाहर निकलने लग गए। हो भी सकता है कि भाई ये ग्याबन उधर हो के आई हो सकता है कि बस जो कह रहा था ये 1.5-2 महीना। और यहाँ पर देखिए हमारे कबूतर का दाना हमारे दोनों चिक्स खा रहे हैं भाई ये। और यहाँ ऊपर मैंने अभी इनको मक्की डाली है, मक्की खाने लग गए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे जो दोनों चिक्स थे भाई कबूतर के, ये पता नहीं इतने इतने छोटे क्यों रह गए। अब इनको ठीक से फीड नहीं करा रहे। अब मैं क्या करता हूँ, उनके पूरे पिंजरे में घास बिछा देते हैं जिससे भाई ये यहाँ पर ही आराम से बैठे रहेंगे। अभी थोड़े दिनों में भाई ये खाने पीने के लिए बाहर भी आना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले दोस्तों अभी हमारी गाय को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर सफाई करते हैं। देखिए इसने कितनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है। देखिए दोस्तों अभी हमारी गाय को भाई छोड़ दिया है ये। इसके लिए जो इतना सारा सूखा भरा है, इसने एक दाना भी नहीं खाया अभी तक। और अभी सिर्फ रोटी इसको खिलानी है और ये बाहर भागने के लिए। इसको बस छोड़ दो अभी भाई, डायरेक्ट जाएगी उधर पीछे जंगल में। बहुत खतरनाक चरती है दोस्तों, देखिएगा आपको भाई। कल भी मैंने दिखाया था और आज भी देखेंगे कि कहाँ तक जा रही है। दोस्तों अभी देखिए हमारी मुर्गी के 8 बच्चे साथ में घूम रहे हैं। तो भाई आपने पुराने वीडियो में देखा ही होगा कि हमारे एक सफ़ेद वाइट वाला, देखिए जो प्योर वाइट में ना इस टाइप का भाई एक बच्चा हमारा एक्सपायर हो चुका है। अब पता नहीं दोस्तों वो कैसे एक्सपायर हुआ था, लेकिन देखिए ये जो बच्चे हैं भाई सारे फुल एक्टिव है, कोई भी बच्चा डाउन नहीं है। और अभी सारे बच्चे बस भगवान की दुआ से भाई मैं ये करता हूँ इनको कुछ ना हो और अच्छी तरीके से बड़े हो। अभी देखिए बाजरा खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा शौक से। दोस्तों जो छोटे बच्चे रहते हैं बाजरा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बड़ी मुर्गियाँ फिर भी नहीं खाती है। और पता नहीं यार इस वाले बच्चे को यहाँ पर क्या दिख गया है, ये बार बार यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जैसे बड़ी मुर्गियाँ खोद के खाती है इस तरीके से खोद खोद के खाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी वो जो कीड़ा चल रहा है भाई उसको खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे जो सारे चिक्स है भाई आराम से खा रहे हैं। और हमारा जो असील का बच्चा है उसको दोस्तों थोड़ा सा वो मुझे उसमें कुछ मतलब उसके आँख में कुछ लग रहा है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार आपको। दोस्तों मैं एक मस्त गुड न्यूज़ है, देखिए आपको मैं पहले गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि देखिए हमारी इस वाली बाल्टी के अंदर हमारी मुर्गी ने कितने सारे अंडे दे रखे हैं भाई, ये चेक करिए आप। अब दोस्तों इसके अंदर 8 अंडे थे और 2 अंडे इस वाले के अंदर थे, तो मैंने टोटल यहाँ पर रख दिया है। और आज मैंने चेक करा कि भाई मैं घर ले जाने के लिए अंडे लेके आया, लेने का सोचा था मैंने, लेकिन हमारी मुर्गी इसके अंदर बैठी हुई थी। तब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों हमारी बड़ी वाली मुर्गी इतने टाइम से कुड़क नहीं हो रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वो कुड़क हो ही चुकी है तो उसको क्यों ना अंडों के ऊपर बिठाया जाए, फिर देखते हैं भाई किस तरह की बच्चे निकलती है। ये वाली मुर्गी देखें इसको दोस्तों, हम कितनी बड़ी लेके आए थे और उससे वो डबल साइज की हो गई है, ये देखें। और हमारा असील का बच्चा भाई देखिए वो उधर कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी आँख में आप देखिए भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ये जो आँख में दिख रहा होगा ना भाई ये इसको हो रहा है। और अब दोस्तों थोड़े दिनों में हमारा मुर्गा भाई जाने वाला है। अभी दोस्तों हमारी जो गाय है वो बाहर चर रही है तो उसको मैं लेके आता हूँ। और उसके लिए दोस्तों मैं इतना सारा शुक्ला लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक उसने एक कुछ भी नहीं खाया। तो पता नहीं यार दोस्तों हमारी जो गाय है शुक्ला खाती क्यों नहीं, और वो घर आती है लेकिन यहाँ पर रुकती नहीं है। वो घर आके उसके जो साथ में एक और घूमती है उसके साथ में भाई उसके घर चली जाती है और हमारे यहाँ पर आती नहीं है। अब दोस्तों मैं उसके लिए रोटियां भी लेकर आया हूँ, उसको रोटी खिलाएंगे। और आपको भाई कमेंट में एक बार जरूर बताना कि हमें ये वाली मुर्गी को अंडों के ऊपर बिठानी चाहिए कि नहीं। मेरा तो दोस्तों इच्छा हो रही है कि हम इसको अंडों के ऊपर बिठाएं, क्योंकि देखिए 10 अंडे हैं तो भाई 10 के 10 ही फर्टाइल होंगे, क्योंकि हमारे पास मुर्गी तो एक ही है, मतलब मुर्गी एक है दोस्तों अंडे देने वाली। तो हमारा मुर्गा भाई 100% उसको मैंने क्रॉस करते दिखा है, तो मतलब 10 में से 10 ही बच्चे निकल सकते हैं। तो अभी दोस्तों एक बार इनको करते हैं भाई। और अभी मैं आपको हमारे दोनों चिक्स दिखाता हूँ, देखिए ये कितने बड़े हो चुके हैं, ये देखिए ये भाई कितने बड़े हो चुके हैं। ये आपने भाई जब देखा होगा कि इस वाली मुर्गी के साथ लेके आया था मैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारा असील का भाई बच्चा है ना उससे थोड़े से बड़े लेके आया था, लेकिन अब देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं ये। अब भाई एक वाला है जो चिक से वो तो बिल्कुल इस मुर्गी की तरह ही बन रहा है, देखिए एक गोल्डन में है एक सिल्वर में है। तो दोनों को भाई करेंगे, वो दोनों को फुल बड़ा करके अंडों के ऊपर बिठाएंगे। देखिए अब ये वाली मुर्गी तो हमारी बच्चों को लेकर घूम रही है, वो वाली बच्चों को लेकर घूम रही है, बस वो वाली नहीं घूम रही है। तो भाई इसको भी जल्दी से बड़ा करेंगे और ये भी बच्चों को लेकर घूमना स्टार्ट कर देगी। अभी मैं जल्दी से हमारी गाय लेके आता हूँ और उसको यहाँ पर चारा और पानी पिलाते हैं। तो देखिए सिर्फ हमारी मुर्गी को इस तरह के कैरेट पकड़ना रहता है, कैरेट या फिर भाई डला जो भी हो, और ये खुद ही इसके नीचे चली जाएगी देखना। ये देखिए भाई मुर्गी गई, अब इसके साथ साथ बच्चे भी चले जाएंगे। ये देखिए भाई 4 और 4 8ों बच्चे आ चुके हैं, अभी देखिए जा रहे हैं। ये गया, आ रहा रे, ये भाई एक बच्चा और बचा हुआ है दोस्तों, अगर एक और चल जाएगा। अभी देखिए भाई शाम के वक्त हमारी गाय को अंदर बांध चुके हैं, लेकिन ये जो सोयाबीन का शुक्ला है ये भाई जरा सा भी खा ही नहीं रही है।
अब दोस्तों ये क्यों नहीं खा रही आप एक बार कमेंट में बता देना। और अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको हमारी मुर्गी नहीं दिख रही होगी, तो अभी हमारी मुर्गी बैठी है यहाँ पर अंडों के ऊपर। अभी मैं इसको हटा के एक बार चेक करेंगे और इसको भाई बिठाएंगे यहाँ पर ताकि आराम से बैठे और अच्छी तरीके से बैठी रहे। और देखिए इस वाले कैरेट के नीचे हमारे सिंगल बच्चे वाली मुर्गी, ठीक है। और भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारे 8 बच्चों वाली मुर्गी, और यहाँ पर है हमारे कबूतर के बच्चे दोनों। ये भी अब दोस्तों थोड़े दिनों में अपने घोंसले को छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे 4 कबूतर अंदर आ चुके हैं। तो आज के लोग को दोस्तों मैं करता हूँ यहाँ पे खत्म। उम्मीद करता हूँ भाई आज के लोग आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों एक बार कमेंट जरूर बताना कि इस वाली मुर्गी को हमें अंडों के ऊपर बिठाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये देसी थोड़ी क्रॉस में है तो ये बच्चों को पता नहीं किस तरीके से निकालेगी या फिर निकाल भी पाएगी कि नहीं।